से ये ख़त्म होने के बाद दरगाह पे जाने वाले हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दरगाह है, काफ़ी पुराना दरगाह है, और हम अभी वो दिखाएंगे, वो ब्लॉग हमारा आएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। गाइस अब हम जाएंगे दरगाह पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दरगाह है, काफ़ी पुराना दरगाह है, तो चलो। तो गाइस हमारा और एक ब्लॉग आ गया है, जो अब हम आए हैं ख्वाजा हज़रत ख्वाजा पीर दरगाह पे, हज़रत ख्वाजा पीर दरगाह जो पुणे में स्थित है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आज हम यहाँ जाएंगे। चलिए गाइस गाइस गाइस, आप देख सकते हो दरगाह के ठीक बाजू में एक तालाब जाता है, जो काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो। ये दरगाह है बाजू में, देख लीजिए ख्वाजा पीर की, और ठीक उसी बाजू में हमारा तालाब है, जो काफ़ी अच्छी है। तो अब हम चलते हैं दरगाह में। गाइस देख सकते हैं आप हज़रत ख्वाजा पीर सैयद की बड़ी दरगाह है, दरगाह शरीफ काफ़ी अच्छी है, अब हम यहाँ जाएंगे। हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम दरगाह के अंदर है, हमारी ज़ियारत हो चुकी है। गाइस गाइस गाइस, आप देख सकते हो हम अभी दरगाह में हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते, आपको भी पता है दरगाह में वीडियो बनाना नॉट अलाउड है, तो भी हमने जिस हिसाब से बनाया है थोड़ा बहुत, तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमारे ये ब्लॉग्स ज़्यादा शेयर करें, 10 मिलियन शेयर करें। आप देख सकते हो दरगाह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा व्यू है, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा दरगाह है। चलिए तो गाइस अब हम निकल रहे हैं दरगाह से, काफ़ी इंटरेस्टिंग दरगाह है, काफ़ी अच्छी दरगाह है, आप आइए, पुणे में ही है, फोर्ट के बाजू में ही है, काफ़ी अच्छी दरगाह है, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम दरगाह से बाहर आ चुके हैं और अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो हमारे ब्लॉग्स देखिए, अच्छा ब्लॉग्स है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यूज़ है यहाँ पे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ज़रूर भूलना नहीं, तो आप उसको प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।